इंदौर में मेयर और पार्षद पद के लिए बुधवार को वोटिंग खत्म हो गई, जिसका रिजल्ट 17 जुलाई को आएगा। इस बार 60.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के दौरान कुछ वार्डों में काफी हंगामा देखने को मिला। भागीरथपुरा में एक कांग्रेसी को बूथ के भीतर पीटा गया। वहीं 2 नंबर विधानसभा के वार्ड 22 से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे पर बेईमानी करने और पैसों के बल पर मतदाता को खरीदने और बाहुबल दिखाने का आरोप लगाते हुए शिंदे की कार को महिलाओं ने घेरा है। शिंदे अपनी ही गाड़ी में कैद हुए तो महिलाओं ने कार के कांच फोड़े, पूरी कार को महिलाओं ने घेरा। इंदौर में मेयर और पार्षद पद के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। भाजपा के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने सुबह 9:45 बजे तो कांग्रेस संजय शुक्ला ने सुबह 11:15 बजे वोट डाला है। चुनावी माहौल में कई रंग देखने को मिले। लोधीपुरा क्षेत्र में चुनाव के बीच भाजपाइयों ने कांग्रेसी को बूथ के भीतर पटकर पीटा। वहीं चंदनगर में विवाद की सूचना के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही मेयर प्रत्याशी मौके पर पहुंचे। यहां आमना सामना हुआ तो दोनों ने हाथ मिलाया और जमकर मस्ती की। दोपहर 3 बजे तक इंदौर में 51% मतदान हुए हैं।